माशाल्लाह जो है आज बड़ा मुल्तान में जुम्मतुल मुबारक, सबको मुबारक हो। जुम्मतुल मुबारक बड़ा कूल डे है आज, ठंडा दिन है। अभी मैं बाहर निकला हूँ घर से तो माशाल्लाह गली की रौनक, और ऊपर से मौसम माशाल्लाह ठंडा, हॉट डे नहीं है, सर्दियों के एक दिन लग रहा है ये। तो आगे चल के इंशाल्लाह देखते हैं शहर का क्या माहौल है, मुल्तान का क्या माहौल है, आपसे वो डिस्कस करते हैं। जवेद अली भी वीडियो बना रहे हैं जी, ओ देखियो चाचा घोड़े के पिछवाड़ी नहीं जाना चाहिए। जितने घोड़ो को उसने लगाया सभी का रुका है, जी रुक गया। अब ये जवेद अली देख के भाई उसको थोड़ा सा काट लगा, फिर नंबर लगा दे, गर्दन भी नहीं बेचारे आला। माशाल्लाह जी उस्ताद जी के घोड़े पूरी दुनिया में मशहूर है जी। जी बस दोस्तों की दुआएं हैं जी, मोहब्बत है दोस्तों की। बिल्कुल उस्ताद जी बिल्कुल। हां सर उधर भी खड़े हैं तीन चार घोड़े उधर से आए हैं। माशाल्लाह जी वाइट सारे सफेद शहजादे, ये सौदागर का भाई उस्ताद जी बता रहे हैं जी, घोड़ों वाले का भाई, उसका गुलाम औकाफ का भाई बहुत अच्छा था। हाँ गुलाम औकाफ का ये साथ, ये एक नस्ल है जी काठियावाड़ की, काठिया इंडिया की, इधर बहावलनगर के इलाके में ये कहीं ना कहीं मिल जाती है। बहुत अच्छे घोड़े हैं, बेसिक इनका जो कलर है वो है कुल्ला जी, वो वाला जी, वो वाला इसका बच्चा है, इस ये बच्चा है, ये कुल्ला ना, ये कुल्ला नहीं है। उस्ताद जी बता रहे हैं घोड़ों का कलर है ना ज्यादा इस नस्ल का, वो ज्यादा कुल्ले रंग के हैं। हां हां मुश्किल भी होते हैं। अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हां कुल्ला ज्यादा रंग है, छापदार मारा ऐसा नहीं आए साहब, तो चिट्टा जो है फगर भाई जो बड़ा घोड़ा है साहब का सफेद। आप जवेद अली तब मुर्गे देख रहा है, मुर्गा तो उससे फकर से गवा हो। माशाल्लाह जी बड़े प्यारे मुर्गे। माशाल्लाह जी घोड़े की ट्रेनिंग देखें आप, घोड़ा तो नहीं खड़ा पर सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। घोड़ा चेक कर मलिक फखर के ना इस घोड़े का महाराज महाराज माशाल्लाह जी। सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। ये जी महाराज घोड़ा, अभी तो ये नया नया पांच लग गए, ये इंशाल्लाह बॉडी बढ़ाएगा इससे कद भी कुछ ना कुछ कद भी बढ़ाएगा। सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। अभी दूरी बता दी जी, थोड़ा
सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। चलो चाह के पिछलाते माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सीजन शुरू हुआ तो इसको जुड़ाएंगे। मलिक फखर अब्बास ही देवी देखो। अच्छा सर ये काले सुम में कितने सुम में क्या फर्क होता है? ये जरा काला सुम मजबूत होता है, ये जरा उतना मजबूत कच्चा होता है, टूटता जाए। अब ये जो हमारे भाई चंबा बशेर है ना जी, उसमें सिर्फ यही मसला है सुमो वाला। सुमो वाला सारे चिट्टे हैं। उसको सर ऐसे करें कि आप नीला थोथिया वो तो बहुत हाँ, और साथ हो पोटाशियम ब्रोमाइड या पोटाशियम परमैंगनेट जी, इसको गर्म पानी में ना डाल के अच्छी तरह गर्म तो ताजी घोड़ों के मुतालिक बता रहे हैं। काले सुमो काले ये सर हजारों में कोई एक होता है। एक घोड़ा इधर मैंने देखा था शायद आजकल सरगोधा के इलाके में, वो उसके ना चारों जो सुम थे वो काले थे और पांच कलियान था बराबर घुटन था। शायद उसका पता कराते हैं, हो सकता है मिल जाए। इसके भी ना बिल्कुल सफ़ेद नहीं है और सफ़ेद मिले जुले है मेरे से। जावेद अली देख भाई महाराज घोड़ा है जावेद अली कैसा फील किया भाई जम्मट आर्ट्स एकेडमी में? जबरदस्त जी माशाल्लाह मजा आ गया घोड़े देख के। वीआईपी मॉल है जी। खत्म। अच्छा जी जावेद अली जी दुल्ले वाला में माशाल्लाह आया हुआ है तो यहाँ घोड़ों की एकेडमी यहाँ का माहौल देख के बड़ा खुश है और हम भी जावेद अली के साथ माशाल्लाह बहुत खुश हैं कि हम यहाँ इतने मसरूफियत के दौर में हम भी यहाँ पहुँचे हैं। माशाल्लाह जी पांच कलियार कितना खूबसूरत माशाल्लाह जी आप देखें। सुभान अल्लाह एक एक नगीना इकट्ठा किया हुआ जी सरदार सजाद खान अहमद खान ने एक एक नगीना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह इरफान भाई सरदार वकास खान ठीक हो जी। माशाल्लाह जी बड़े खूबसूरत खत्म। आप जो है ना आज हमारा दिन है स्पेशली घोड़ों के लिए। आप देखें कि माशाल्लाह कितने खूबसूरत यहाँ पे घोड़े खड़े हैं और रंग नस्ल मुख्तलिफ। सरदार विकी खान हमें विज़िट करवा रहे हैं, इरफान भाई भी हमारे साथ हैं, इनकी मेहरबानी इन्होंने टाइम दिया हमें। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई क्या हाल है जी आपके? हाजी असगर साहब आए हुए आज मुल्तान के हीरो, आपको आपकी मेहरबानी आपने टाइम दिया है माशाल्लाह आपने घोड़े दिखाए हैं। सलीम गाड़ी तो भेजे ना पिया ये फैंसी घोड़े शहर में फिरने के लिए ये टांगे बनवा रखे हैं खान साहब जो सफेद रंग की होती है। खत्म। टांगे भी आपको दिखाते हैं। बाय बाय।